इंदौर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत अब रेस्टोरेंट, बार और होटल रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। इसी तरह शादियों में भी 50 लोगों को शामिल होने की छूट रहेगी। मैरिज गार्डन संचालकों को अपने यहां हुए समारोह की वीडियो करवाना होगी। इसकी रिकॉर्डिंग संबंधित थाने में जमा करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए गए। इसके अलावा कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ प्रीतम लाल दुआ सभागृह में बैठक की। कलेक्टर ने कहा, ध्यान रखें कि शहर में फिर से स्थिति खराब नहीं हो, ये सबकी जवाबदारी है। आने वाले समय में संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखने में आ रहा है कि शादी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, ये मास्क का इस्तेमाल भी सही तरीके से नहीं कर रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालक अपने यहाँ आयोजित समारोह में निर्धारित संख्या को ही एंट्री दें। इसके अलावा भीतर मौजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस का सही तरीके से पालन करें। सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालक आयोजनों की वीडियोग्राफी करवाकर उसकी रिकॉर्डिंग संबंधित थाने में दें। इसी आधार पर पुलिस निगरानी करेगी। यदि कानून का उल्लंघन होता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने सभी बार में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन निश्चित करवाने के आदेश आबकारी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बार तय समय के बाद नहीं खुलेगा।